दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो इंटरनेट स्पीड को लेकर के है। दोस्तों यदि आप इंटरनेट स्पीड को लेकर के बार बार परेशान रहते हो, हमेशा परेशान रहते हो और 2020 में इंटरनेट स्पीड को लेकर के परेशान होना, तो सच में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आज ये गलती नहीं करते हैं। 3 से 4 मिनट का यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते ना, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर इंटरनेट की एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा। दोस्तों यदि आप सच में यदि आप इंटरनेट के ये सेटिंग कर लेते जो कंपनी वाले खुद देते हैं, और यदि आप ये सेटिंग करने के बाद चाहे आप कोई भी कंपनी का सिम यूज करता हो उसके अंदर इंटरनेट स्लो चलता है ना, तो सिर्फ एक सेटिंग की मदद से आपका इंटरनेट जो ना इतना ज्यादा स्पीड हो जाएगा जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और मेरे कॉमेंट के अंदर बोलेंगे कि यार ये चीज के बारे में और ये सेटिंग के बारे में आपको पहले बताना चाहिए था। दोस्तों अगर आपका इंटरनेट अब बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है ना, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते और मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी कौन सी इंटरनेट सेटिंग है जिससे कि आपका इंटरनेट काफी ज्यादा स्पीड होने वाला है। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। है मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि जानना चाहते हैं ना, तो उससे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को ना सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा जो बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों आज का इंटरनेट स्पीड का वीडियो बनने वाला है, तो आज का लाइक का टारगेट रखता हूं 20,000। मुझे उम्मीद है इस वीडियो पे काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये सेटिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेटिंग मुझे ढूंढने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग को फर्ज बनता है एक लाइक करना जो बिल्कुल फ्री होता है। लाल वाला बटन क्लिक करके चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना, कॉमेंट करके बताना कि कौन सी कंपनी का आप सिम यूज करते हैं। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों जो भी सेटिंग बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं आपको दो तरीका बताऊंगा इंटरनेट स्पीड को लेकर के, एक सेटिंग बताऊंगा और एक डीएनएस के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपका इंटरनेट स्पीड होगा। तो सबसे पहले दोस्तों सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन के सेटिंग में जाएंगे और जैसे आप अपने फोन के सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहां पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क होगा, इस पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो भी कंपनी का आप सिम यूज करते हैं, एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन या बीएसएनएल, उस सिम के अंदर आप इंटरनेट यूज करते ना, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप सिलेक्ट कर लेते ना, तो आपको क्या करना हो कि नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद एक सेटिंग मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इस सेटिंग को क्लिक करना हो। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो बाय डिफॉल्ट होना है, इस आई बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आई बटन पे क्लिक कर देते ना, तो यहां पे आपको कई सारे सेटिंग मिलेगा, तो इस सेटिंग के अंदर कुछ चेंजिंग करना, जो कुछ बदलाव करना मैं आपको बता देता हूं। यूजर नेम में आपको यहां पे यूजर नेम में क्या डाला मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको लिखना होगा नेट फास्ट और यहां पे लिखना होगा 4G, ठीक है, 4G.com लिख देना होगा, ठीक है, नेट फास्ट 4G.com लिख करके आपको यहां पे क्लिक कर देना होगा, ओके पे दबा देना होगा, ठीक है। और सभी स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कोई भी कैपिटल में नहीं होना चाहिए। उसका नीचे जाएंगे तो सर्वर में आपको क्या लिखना होगा, www. यहां पे google.com, ठीक है, सर्वर में आपको ये कोड डालना होगा। और जैसे डालने के बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा, और जैसे ओके पे क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद दोस्तों यहां पे एपीएन प्रोटोकॉल होगा ना, तो आपको क्या करना होगा कि यहां पे दोनों एक साथ सिलेक्ट करना होगा, और यहां पे आपको एपीएन यहां पे होगा 6 तक, तो सभी एक साथ सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पे मेन आते हैं बैरियर में, तो बैरियर में दोस्तों सबसे पहले ऊपर को अनटिक कर देना होगा, और यहां पे एक ये सिलेक्ट करना है, और यहां पे आपको एडीजी इसको सिलेक्ट करना है, और यहां पे एक जीपीआरएस होगा उसको भी सिलेक्ट करना, जीपीआरएस को यहां पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको भी सिलेक्ट कर देना है, और जैसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो भी सिलेक्ट किया, जैसे कि ऊपर में 2 सिलेक्ट किया और नीचे भी 2, तो बस ये 4 सिलेक्ट करने का सिंपल बैक कर देना है। और जैसे बैक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बैक नहीं करना, यहां पे आपको सेव बटन होगा, इस सेव बटन पे क्लिक करके यहां पे सेव कर देना। तो फाइनली ये सेव हो चुका और यहां पे टिक भी लग चुका ये एपीएन में। तो जैसे सेव होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस सेटिंग से बाहर आ जाना है। अब बात कर लेते डीएनएस के बारे में। दोस्तों एक डीएनएस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिससे कि आपका इंटरनेट जो ना और भी स्पीड हो जाएगा, जो आपको मतलब कि केबी के हिसाब से मिलता है या 1 MB के हिसाब से स्पीड मिलता है ना, तो इससे जो है ना
आपको ये सेटिंग और ये DNS को आप करने से आपका इंटरनेट जो है ना 10 गुना स्पीड हो जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। तो जैसे आप DNS एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेते ना, तो इस ऐप को ओपन करना, यहां पे आपको जो ना कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहां पे आपको गूगल DNS आपको मिल जाएगा, जो काफी ज्यादा इंटरनेट फास्ट मिलने वाला है। तो एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों यहां पे स्टार्ट बटन दिख रहे ना, तो स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देते ना, तो फाइनली यहां पे देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका, और यहां पे ग्रीन ग्रीन आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहां पे पूरी तरह से जो ना आपको ग्रीन स्क्रीन यहां पे दिखने को मिल जाएगा, और इसका मतलब कि आपका इंटरनेट जो ना एक्टिवेट हो चुका, DNS एक्टिवेट हो चुका, फिर आपका इंटरनेट जो ना काफी ज्यादा स्पीड मिलने वाला। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और आपको यही DNS आपको इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि प्ले स्टोर में बहुत सारे आपको फेक एप्लीकेशन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना, और यहां पे गूगल का DNS है ना, उससे आपको एक्टिवेट करना, फिर आपका इंटरनेट जो देखना कितना ज्यादा मिलेगा, जो आपको यकीन भी नहीं होगा, और मेरे कमेंट के अंदर जरूर बोलेंगे थैंक्स कि भाई आपने अच्छा सेटिंग आपने बताया। जी हां, तो यही आपको एक सेटिंग, एक DNS को आपको एक्टिवेट करना, बस आपका इंटरनेट स्पीड हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो काफी ऑसम, बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। अगर आपको वीडियो चले, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपने ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।